बैक टू अवर चैनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 5 एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑसम एंड टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टॉमी और पॉली को देखते हैं जो कि कुछ सिस्टर्स के पास आते हैं। वेल, यहाँ पे एक बच्चे की मौत हो चुकी है जस्ट बिकॉज ये सिस्टर्स बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर करती हैं और साथ ही में बहुत ज्यादा मारती हैं। पर जब टॉमी उनसे ये बात कहता है तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इससे टॉमी गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक सिस्टर का चश्मा तोड़ देता है। पॉली और टॉमी दोनों ही उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि आज के बाद अगर ऐसा कभी हुआ तो तुम्हें फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी। जी हाँ गाइस, पीकी ब्लाइंडर्स की तरफ से ही इन्हें फंडिंग मिलती है। अब अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि टॉमी को इन सबसे क्या मतलब है, यानी कि वो शांति से अपना बिजनेस भी तो ग्रो कर सकता है, क्यों वो फालतू में इन सारे झमेलों में पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि टॉमी अब एक बिजनेसमैन के अलावा पॉलिटिशियन भी बन चुका है, तो अगर लोगों की डिमांड्स पूरी करेगा तभी आगे जाके लोग उसे वोट देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम टॉमी को उसकी टीम के साथ देखते हैं और यहाँ पे वो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आगे उन्हें क्या करना है। वेल, आज पॉली का बर्थडे होता है और टॉमी पॉली को बताता है कि मिस्टर गोल्ड ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। पॉली टॉमी से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं 45 की हूँ। इस पर टॉमी कहता है कि फिर भी लोगों का दिल तोड़ रही हो। पॉली के वहाँ जाने से पहले टॉमी उसे समझाता है कि वो मिस्टर गोल्ड को ये बात समझा दे कि उसे जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम लेने की जरूरत नहीं है, पीकी ब्लाइंडर्स खुद ही उसके बेटे का बदला ले लेंगे। फिर पॉली गोल्ड के पास चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी माइकल और आर्थर को लेके अपने ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि आज मॉसली हमसे मिलने आने वाला है और वो बहुत ही ज्यादा शातिर है, वो तुम्हारी फीलिंग्स को ट्रिगर करने की पूरी ट्राई करेगा लेकिन तुम्हें अपना आपा नहीं खोना। वो माइकल को अपने सामने बिठवा देता है और आर्थर को अपने राइट साइड में खड़े रहने के लिए कहता है। फिर यहाँ पे मॉसली आता है और आर्थर एंड माइकल उसे कम समझ रहे थे लेकिन मॉसली बातों ही बातों में उनकी छुट्टी कर देता है। वो आर्थर से कहता है कि मेरे सुनने में आया कि तुम्हारी वाइफ अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इससे आर्थर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो चेयर भी उखाड़ देता है, लेकिन टॉमी उसे अपनी लैंग्वेज में कहता है कि चिंता मत करो, इसका टाइम जरूर आएगा। फिर मोस्टली माइकल के सीक्रेट्स भी खोल देता है कि कैसे माइकल ने पीकी ब्लाइंडर्स का इतना सारा पैसा डुबा दिया। ये सुन के माइकल भी बिल्कुल शॉक था कि मॉसली को इतना कुछ कैसे पता। वेल गाइस, इससे हमें पता चल जाता है कि मॉसली कितना खतरनाक इंसान है, मतलब कि उसके पास पीकी ब्लाइंडर्स की छोटी से छोटी डिटेल है। फिर मॉसली यहाँ से निकल जाता है और आर्थर टॉमी पे गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि आखिर तुम इसके साथ मीटिंग क्यों कर रहे हो। टॉमी कहता है कि ये चाहता है कि मैं इसके बिजनेस में एक डेप्यूटी का काम करूं। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं लिंडा को जो कि लिजी से मिलने आई होती है। वो लिजी को बताती है कि मैं अब आर्थर को डिवोर्स देने वाली हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि आर्थर ने कैसे लिंडा पे हाथ उठा दिया था, मतलब कि जो आर्थर अब तक लिंडा की सारी बातें मानता था उसने एकदम से अपना ये रूप दिखा दिया। इस पे लिजी कहती है कि तुम आर्थर को डिवोर्स दे सकती हो लेकिन तुम्हें लॉयर बाहर का लाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का कोई भी लॉयर आर्थर के सामने खड़ा नहीं होने वाला, बिकॉज एज वी ऑल नो कि पीकी ब्लाइंडर्स का कितना खौफ है यहाँ पे। इसके अलावा लिंडा जो भी लॉयर लाएगी उसका एड्रेस लिंडा को पीकी ब्लाइंडर्स से छुपा के रखना होगा, बिकॉज अगर पीकी ब्लाइंडर्स को पता चल गया कि वो कहाँ पे रहता है तो डेफिनेटली पीकी ब्लाइंडर्स उसे जान से मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को जो कि मिस्टर गोल्ड से मिलने जाती है और यहाँ पे अब्रामो गोल्ड को थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, बिकॉज एज वी ऑल नो कि उसके बेटे बॉनी को उसके सामने ही मार दिया गया और तब से वो बदले की आग में अकेला ही बुरी तरह तड़प रहा है। अब यहाँ पे पॉली आ जाती है और अब्रामो गोल्ड को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इसके बाद गोल्ड पॉली से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो डेफिनेटली बिली बॉयज मुझे भी ढूंढ के मार देंगे। वेल, ये सब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए कर रहा है, एक्चुअली वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। पॉली गोल्ड को जंगल में उसकी बहन के पास ले आती है और यहाँ पे गोल्ड पॉली को बर्थडे विश करता है, लेकिन जाते टाइम पॉली गोल्ड से कह देती है कि वो कोई गलत कदम ना उठाए एंड पीकी ब्लाइंडर्स उसके बेटे का बदला ले लेंगे। पर कहीं ना कहीं पॉली भी ये बात जानती थी कि गोल्ड उसकी बात नहीं सुनने वाला, फिर भी वो उसे यहाँ पे ले आई बिकॉज शी लव हिम। उसके जाने के बाद गोल्ड तैयारी करने लगता है स्कॉटलैंड जाने की टू टेक रिवेंज ऑफ हिज सन। ऑन द अदर हैंड हम उसे ब्रिटिश सोल्जर को देखते हैं जिससे कि एडा प्यार करती है और उसके पेट में इसी का बेबी है। वो एडा के बेटे के साथ चेस खेल रहा होता है। फिर उससे मिलने टॉमी, आर्थर और माइकल आते हैं एंड वो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले टॉमी माइकल को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब टॉमी को माइकल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, लेकिन माइकल को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो टॉमी को अब्यूज करते हुए यहाँ से निकल जाता है। फिर माइकल उस ब्रिटिश सोल्जर के साथ डिस्कशन करता है एंड उसे एक लेटर पकड़ाता है जिसमें मॉसली के सारे काले धंधों की लिस्ट है। टॉमी बोलता है कि वो ये लिस्ट अपने सीनियर को दे दे, लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, मॉसली के लोग हर जगह पे फैले हुए हैं एंड उन्हें जैसे इस बारे में पता चलेगा वो डेफिनेटली मुझे मरवा देंगे। लेकिन टॉमी उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो।
तुम ही हो जो मोस्टली के इन काले धंधों को रोक सकते हो। टॉमी की बातों से इम्प्रेस होके वो ये काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद टॉमी अपने घर पे आता है और वो अपने ऑफिस में जाके देखता है कि जॉनी एक मेड के साथ इंटीमेट हो रहा था। इस पे टॉमी उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर जॉनी उसे बताता है एब्रामा गोल्ड के बारे में। वो कहता है कि तुमने पॉली को समझा के भेजा था, लेकिन पॉली ने तो उसे आजाद कर दिया। वो स्कॉटलैंड जा चुका है अपने बेटे की मौत का बदला लेने। अब टॉमी काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर ऐसे चलता रहा तो बिली बॉय उसके हाथों गोल्ड भी मारा जाएगा। इसीलिए वो जॉनी डॉग से कहता है कि तुम आर्थर और अपनी टीम को लेकर स्कॉटलैंड पहुंचो एंड किसी भी तरीके से गोल्ड को वापस लेके आओ। फिर हम देखते हैं कि टॉमी पब के अंदर बैठकर शराब के मजे ले रहा था और तभी यहाँ पे जैसी ईडन आती है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड और लास्ट के लास्ट एपिसोड में भी देख रखा है, मतलब कि पिछले कुछ सीजन से हमें उसके नाम का क्लू मिल रहा था। यहाँ पे वो टॉमी के साथ मीटिंग करने आई होती है, लेकिन टॉमी उसकी बातों को मजे में उड़ा रहा था। जैसी को टॉमी का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यहाँ से वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद टॉमी अभी भी मजे में था और वो काफी सारा वाइन पी लेता है। तभी उसे ग्रेस के ग्लिम्स आते हैं, जो कि उसे कहती है आई वॉन्ट यू, आई ब्रेक योर हार्ट। वेल गाइज, यही बात उसने सीजन 1 में भी बोली थी और डेफिनेटली ये रेफरेंस काफी ज्यादा प्यारा लगता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि कहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी और हम कितनी आगे आ चुके हैं। फिर टॉमी अपने घर पे जाता है और यहाँ पे लिजी उससे बातें कर रही होती है। लिजी टॉमी से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब टॉमी को दाल में कुछ काला लगता है और वो पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो लिजी टॉमी को लिंडा के बारे में बता देती है, जो कि आर्थर को डिवोर्स देने वाली है, लेकिन वो ये बात आर्थर को बताने से मना करती है। लेकिन टॉमी सीधा आर्थर को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बात बता देता है कि लिंडा उसे डिवोर्स देने वाली है। वह आर्थर को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन डेफिनेटली अब कुछ किया नहीं जा सकता। बट इस चीज के चलते लिजी टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि जब मैंने मना किया था कि आर्थर को कुछ भी मत बताना, तो तुमने उसे ये सब क्यों बताया। इस पर टॉमी कहता है कि ये सब कुछ मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं आर्थर को, जो कि उसी आदमी के पास जाता है जिसका लिंडा के साथ अफेयर चल रहा है। वो आदमी आर्थर से बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा था और वो कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर आर्थर उसे मारने लग जाता है और मारते मारते ही वो रो रहा था। इसके बाद वो उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अंदर से मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर गोल्ड को। वो रोड बनाने के बहाने अपने आदमियों के साथ बिली बॉयज का वेट कर रहा था। जैसे बिली बॉयज यहाँ पे आते हैं, गोल्ड उन पे अपनी टीम के साथ अटैक कर देता है और एक आदमी को तो वो बहुत ही गंदी मौत मारता है। वो उसका पूरा फेस ही जला के राख कर देता है। फिर हम देखते हैं टॉमी को, जो कि मोजली के साथ बिजनेस डील के लिए आया होता है, और यहाँ पे टॉमी उसकी पार्टी के बारे में कई चीजें पूछ रहा होता है। टॉमी उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन टॉमी की भी कई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वेल मोस्टली 1 जनवरी को अपनी पार्टी के अनाउंसमेंट करने वाला है। अब टॉमी अपने घर पे आके उसी ब्रिटिश सोल्जर को कॉल लगाता है और उसे काम के बारे में अपडेट्स मांगता है। एक्चुअली टॉमी का प्लान है मोस्टली को बर्बाद करने का। वो पहले तो मोस्टली के साथ काम करेगा और धीरे धीरे उसकी कई सारी डिटेल्स निकालता जाएगा, एंड इसके बाद वो मोस्टली को बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर की तरफ और वो मिस्टर गोल्ड के पास पहुंच चुका है। वो मिस्टर गोल्ड को उठाता है और मिस्टर गोल्ड सोचता है कि आखिर आर्थर को उसका एड्रेस कैसे मिला। तभी हम देखते हैं कि बिली बॉयज एब्रामो गोल्ड के पास आ रहे हैं उसे मारने के लिए, एंड अब तो डेफिनेटली एब्रामो गोल्ड को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। वेल बिली बॉयज को एब्रामो गोल्ड का एड्रेस दिया है खुद आर्थर ने, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि गोल्ड ऐसे उसके साथ नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे बिली बॉयज आ जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलते हैं, उन्हें अपने सामने ग्रेनेड दिखता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है, एंड इससे कई सारे बिली बॉयज घायल हो जाते हैं। वेल आर्थर और गोल्ड यहाँ से निकल चुके थे और बिली बॉयज का लीडर कहता है कि टॉमी शेल्बी तुम्हें जंग चाहिए, तो चलो अब जंग चालू हो चुकी है। सो एपिसोड नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है और डेफिनेटली एपिसोड नंबर 4 के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप होंगे, तो हम बिल्कुल भी लेट नहीं करने वाले, जल्दी आपको एपिसोड नंबर 4 भी मिल जाएगा। सो इफ़ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन अ चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।